दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एडमिट कार्ड कैसे आप डाउनलोड करें। तो दोस्तों, ये सब देखने के लिए आपको हमारा ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना होगा। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम सेंटर लोकेशन आप कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप अपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार अपने चैनल पर नहीं आए हो तो अपने चैनल के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है तो उसे दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको रेड कलर सब्सक्राइब बटन को दबाओगे तो आपको मिल जाएगी सबसे पहले आने वाली वीडियो की जानकारी। तो दोस्तों, इसी प्रकार के नए नए वीडियो, लेटेस्ट सरकारी वैकेंसी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा आपकी SSO ID लॉगिन। जैसे आप अपनी SSO ID लॉगिन कर लेते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाता है। जैसे मैं अपनी SSO ID यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे अपने को पासवर्ड फिल करना होगा। जो भी आपकी SSO ID का पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। और दोस्तों, आप अपनी SSO ID को कैसे लॉगिन कर उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। आप अपनी राजस्थान सिंगल साइन ऑन इस पोर्टल पे जाओगे और आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाता है। जैसे ये पेज ओपन होता है, आपके सामने कुछ इस तरीके से नया विंडो पेज ओपन हो जाता है। और आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जो एक रिक्वायरमेंट स्टेटस पोर्टल के नाम से आता है उस पर क्लिक करना होगा। और जो ये नया टैब खुल के आता है यहाँ पे, मैं शपथ लेता हूँ लेकिन क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट स्टेटस, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो उसके लिए मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, तो आप ये इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना जैसे फॉर्म भर रहेगा अपन है राजस्थान कांस्टेबल 2019 में जो फॉर्म भरा था अपने जनरल नॉन DSP से, तो उसका यहाँ पे एडमिट कार्ड दे रखा है। तो आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे आपको कुछ देर बाद में एडमिट कार्ड का ये जैसे आप यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, जो आपका एग्जाम सेंटर लोकेशन डिस्ट्रिक्ट लोकेशन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपना एग्जाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा आपका एप्लीकेशन नंबर। तो मैं अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मैं अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे अपने को डालनी पड़ेगी अपनी डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जैसे मैं अपने डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, उसके बाद में आपको यहाँ पे जो ये कैप्चा दिखाई दे रहा है नीचे, इसको अगर कैपिटल है तो कैपिटल में लिखना है, अगर स्मॉल में तो स्मॉल में लिखना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से नया सेंट्रल लोकेशन डिटेल आ जाती है और यहाँ पे बता देता है कि आपका कहाँ पे सेंट्रल लोकेशन, कहाँ पे एडमिट, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे है। तो अपना जैसे जयपुर है तो जयपुर में बता देगा, अगर किसी का कोटा या उदयपुर सीकर जो भी होगा तो उसका सेंट्रल लोकेशन उसमें बता देगा। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो बना दिया है आपके लिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको अब कैसे आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है, यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आता है, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। और दोस्तों, किस तरीके से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है उसका मैं अगले वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर अभी तो इसमें यहाँ पे एडमिट कार्ड का ऑप्शन नहीं आया है, जैसे वो ऑप्शन आता है तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह चैनल पसंद आया तो अपने वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार अपने चैनल पर नए आए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन पे एक बेल क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, धन्यवाद।